पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नई चीज़ें हुई हैं। मैंने फाइनली अपने पुराने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को बाय बाय कहा और मैं डाविंची रिजॉल्व में मूव कर गया। हमारी डिस्कॉर्ड की फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है और वो 1K क्रॉस कर गई है। पर अगर आप लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे डिस्कॉर्ड पर काफ़ी औसम बंदे गिव अवे करते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना ना भूलना अगर तुम डिस्कॉर्ड के यूज़र हो तो। मैंने हेयर कट भी करवा लिया है जिससे आई थिंक तुम लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इन दी एंड मैंने विंडोज 11 इंस्टॉल कर ली। बाय द वे अगर तुम कंफ्यूज हो कि टास्क बार ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे कैसे है तो वो हो जाता है। खैर चाहे लाइव स्ट्रीम हो चाहे वीडियोस के कमेंट सेक्शन हो, एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता था कि यार विंडोज 11 तुमने क्यों इंस्टॉल नहीं करी, तुम तो विंडोज 11 बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते थे। और मुझे भी पता था कि हाँ मेरा जो अभी सिस्टम है वो रेडी है विंडोज 11 के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया भाई कि मैं विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं करूंगा अंटिल नाउ। और उसका बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन था कि जो बिल्ड इन्होंने पहले प्रोवाइड करवा रखा था वो डेवलपर बिल्ड था, वो डेवलपर्स के लिए था, सो दैट कि जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर्स होते हैं या कोई गेम बनाने वाले डेवलपर होते हैं वो उस इमेज को डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करें और अपनी अपनी एप्लीकेशन को वो विंडोज 11 पर रन करके देखें, और अगर कोई उनको ग्लिच लगते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली बात करें। वो हमारे लिए नहीं था और इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा बग्स भी थे। और आई थिंक ये बग्स कुछ लोगों के लिए इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे, लेकिन मेरे जैसे बंदे जिनके पास एक पीसी है, जो उनका वर्क पीसी है, जो नहीं चाहते कि भाई वो बग्स में ही उलझे रहें और उनका जो काम है वो रह जाए, उन लोगों के लिए ये बग्स जितने भी होते हैं वो काफी बड़ी बात होते हैं। मैं नहीं चाहता था कि भाई जब मैं विंडोज 11 इंस्टॉल करूं मेरी कोई एप्लीकेशन चलना बंद हो जाए, बिकॉज सारी की सारी मुझे चाहिए, सारी की सारी एप्लीकेशन मैं इंपॉर्टेंट ही यूज करता हूं, और इसी वजह से मैंने विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं करी। अब आप लोग पूछोगे कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने विंडोज 11 इंस्टॉल कर लिया। सो बेसिकली कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इनका बीटा चैनल पे एक बिल्ड रिलीज हुआ, मतलब विंडोज 11 फाइनली बीटा में आ चुकी है। और तुम लोगों को याद होगा हमने पुरानी वीडियोस में भी बात करी थी कि जो बीटा बिल्ड था वो डेवलपर बिल्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस वो उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी कोई चीज ट्राई करना चाहते हैं। हाँ इसमें भी बग्स होंगे, इतने नहीं होंगे जितने डेवलपर बिल्ड में है, ये एक हिसाब से स्टेबल ही होता है, फाइनल बिल्ड जितना स्टेबल नहीं, लेकिन ये चीज स्टेबल है, डेवलपर बिल्ड से तो काफी ज्यादा स्टेबल है। तो हाँ फिर मैंने सोचा यार क्यों ना विंडोज 11 ट्राई कर ली जाए। तो ये है हमारी विंडोज 11, तुम लोग देख सकते हो ये राउंडेड कॉर्नर आ चुके हैं, एक ये नया फंक्शन है जिसे विजेट बोलते हैं, भाई पहले भी तो थे 7 में तो नया तो नहीं होगा। उसके अलावा माई पीसी का ये बिल्कुल नया डिजाइन है। और एक छोटी सी टिप है, अगर तो तुम पीसी ही यूज करते हो तो यार ये इस साइड ही अच्छा लगता है, ये जो टास्क बार है ना ये सेंटर में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अगर तुम मेरे जैसे हो जो काफी ज्यादा एप्लीकेशन ओपन करके रखता है तो अगर ये सेंटर में होता है ना तो यार अच्छा सा नहीं लगता, तो मुझे ये ऐसे ही पसंद है। ये चीज तुम भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है, वहां पर जाकर आपको टास्क बार ढूंढना है, टास्क बार की सेटिंग में ना आपको ये दिखाएगा टास्क बार बिहेवियर, और आप यहाँ पर इसे अलाइन कर सकते हो कि आप इसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हो या इसे लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको सेंटर में पसंद है कि यार आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप सेंटर में अलाइन कर सकते हो, मुझे लेफ्ट पर ही पसंद है, मेरा हाथ वहीं जाता है जब भी मैं स्टार्ट मेन्यू पर जाता हूँ, मुझे ये सेंटर वाला कुछ इतना खास नहीं लगता। और अगर आपका भी सिस्टम रेडी है आप भी इसे बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इवन मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करूंगा जिन लोगों ने डेवलपर बिल्ड इंस्टॉल किया था कि भाई अभी राइट टाइम है बीटा बिल्ड में मूव कर जाओ, बिकॉज बीटा बिल्ड के बाद स्टेबल बिल्ड आपको डायरेक्टली मिलेगा। मुझे डाउट है कि डेवलपर बिल्ड अगर आपके पास इंस्टॉल है तो शायद आपको जो स्टेबल बिल्ड है वो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब आपको क्लीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। बीटा बिल्ड से जो स्टेबल बिल्ड है वो आप जस्ट एक अपडेट के हिसाब से चले जाओगे, मतलब वहां से मूव करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और जो लोग अभी तक विंडोज 11 में हैं बहुत इजी स्टेप है, आपको जाना है आपकी अपडेट सेटिंग पर, वहां पर आपको दिखाएगा इनसाइडर प्रीव्यू प्रोग्राम, आपको ज्वाइन प्रोग्राम करना है, वहां पर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बारे में पूछेगा, अगर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, जस्ट वहां पर साइन इन करना है, एक पॉइंट पर आपके पीसी का भी पासवर्ड पूछ
पूछता है, तो वहां पर आप अपने पीसी का जो आपके डेस्कटॉप का लॉग इन पासवर्ड है वो इंस्टॉल कर दें। देन आपको मैसेज आएगा कि आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। आप जस्ट यस पे क्लिक करके आपके सामने ये सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। वहां पर तीन बेसिकली प्रोग्राम है, उनमें से आपको बीटा वाला प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। बीटा प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद पीसी जब रिस्टार्ट करोगे तो इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। विंडोज इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसी विंडोज दिखाई देगी, काफी ज्यादा सही है। जैसे आप विंडोज 10 इंस्टॉल करते थे आपको काफी ज्यादा मैसेज आते थे, वो कुछ भी नहीं है। मेरे लिए विंडोज 11 में सबसे बड़ी चीज क्या होगी, वो होगा इसके जो अभी साउंड आते हैं, भाई बहुत ज्यादा साउंड है। एक एक चीज का साउंड आता रहता है, कोई नोटिफिकेशन आती है तब भी साउंड आता है। विंडोज 10 में कोई साउंड नहीं आता था, वो बिल्कुल म्यूट विंडो थी। काफी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि यार कुछ ऐसा खास डिजाइन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन नहीं है, मिनिमलिस्टिक मैं ऐसे कहना चाहूंगा। बिकॉज जो पहले स्टार्ट मेन्यू आता था वो आपका काफी ज्यादा बड़ा हो जाता था अगर आप बहुत ज्यादा एप्स लगा कर रखना चाहते हो। बेसिकली टाइल का साइज काफी ज्यादा होता है, अभी जस्ट ये आइकॉन्स हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। खैर, क्या आपने डेवलपर बिल्ड इंस्टॉल कर लिया था? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अगर नहीं तो आप क्या इस विंडोज 11 बीटा वाले को इंस्टॉल करना चाहोगे? मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।